आज मैं शुरुआत विनय मिश्रा जी आप लोगों के साथ करने जा रही हूं। अपनी कटुता भुलाकर 2024 के लिए कांग्रेस वाले गठबंधन में आम आदमी पार्टी शिरकत करती है और ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता का एक बयान आता है और उस पर जिस तरीके से एक के बाद एक वार आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से किए जाते हैं, बकौल संदीप दीक्षित के लफ्जों में आम आदमी पार्टी बेवकूफों की फौज है क्या सर, जो ऐसी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे? विनय जी आवाज मिल रही है ना मेरी? अच्छा संपर्क नहीं हो रहा है हमारा, विनय मिश्रा जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। अखिलेश जी के पास आ जाती हूँ। अखिलेश जी आप दे दीजिए इस सवाल का जवाब, आम आदमी पार्टी बेवकूफों की फौज है सर, समझ नहीं पा रही है बात। देखिए रोमाना जी, सबको पता है कि इंडिया सरकार बनाने जा रही है, मोदी जी को भी पता है, तो अब दिन रात लोगों को छिद्रा निवेशन करते रहना, इसी में दिन गुजारना है और यही बातें करनी है। आपको या किसी को राजस्थान में वसुंधरा राजे को किस तरह से किनारे किया गया है वो नहीं दिखाई देगा, किस प्रकार से बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में इन फाइटिंग है वो नहीं दिखाई देगा, ना वो बयान दिखाए जाएंगे, क्योंकि अगर बीजेपी की मोदी जी की कोई उपलब्धियां होती तो उस पर मोदी जी या उनकी पार्टी या आप मीडिया उस पर चर्चा करता, तो मोदी जी के पास कोई उपलब्धि नहीं है। तो अब विपक्ष के छिद्र निवेशन करो और उसमें जितना हो सके नींबू निचोड़ने का प्रयास मीडिया के द्वारा करते रहो, लेकिन हर पॉलिटिशियन ये समझता है इस तरह के चालबाजियों के, मीडिया की इस तरह से की चतुराइयों को, इस देश को अब जो है ना नेशनल डिजास्टर अलायंस से छुटकारा चाहिए। लोग जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। नींबू निचोड़ने का काम आपने कह दिया मीडिया कर रही है, लेकिन सवाल यह है सर, छोले उबालने के लिए संदीप दीक्षित और अलका लांबा को किसने कहा था? सवाल यह है सर, प्याज काटने के लिए संदीप दीक्षित और अलका लांबा को किसने कहा था? ये आपने चार्ट बनाकर परोसी क्यों कि आकर उस पर मीडिया नींबू निचोड़े? मुझे लगता है विनय मिश्रा जी को अब हमारी आवाज मिल रही है। विनय मिश्रा जी बकौल कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के लफ्जों में बेवकूफों की फौज है क्या? इस तरह नहीं चलता। बेवकूफों की फौज है क्या आम आदमी पार्टी? आपने हम पे सवाल किया, सुन तो लीजिए ना, आप ही के पार्टी के नेता हैं, सब बोलकर निकल लिए, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, आप मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अब जरा हिम्मत रखिए सर आम आदमी पार्टी को भी सुनने की। सुनिए अखिलेश जी सुनिए, आज आम आदमी पार्टी को सुनिए। सवाल खड़ा किया, जवाब दीजिए। आपने मुझ पर सवाल खड़ा किया तो मैंने आपको पलट कर जवाब दिया। प्लीज अखिलेश, अगर आप मुझ पर सवाल खड़ा, प्लीज अखिलेश जी, आपने मुझ पर सवाल खड़ा किया सर, आपने मीडिया पर सवाल खड़ा किया, आपने मीडिया को बोला कि नींबू निचोड़ने के लिए आ जाते हैं, तो आपको ये भी एहसास होना चाहिए कि छोले उबालकर प्याज काटकर आप ही के नेता परोसते हैं। दे दीजिए जवाब, दीजिए जवाब, और भाषा सर जरा सा संयम रखते हुए सर, यहाँ कोई जवाब नहीं है, काम नहीं कर रहा है सर, प्लीज आइए। सुनिए सुनिए सुनिए, सुन लीजिए सुनिए, अब जवाब लीजिए। आपने चूंकि इतने सवाल मेरे ऊपर उठाए हैं तो इसका जवाब लीजिए ना, जो आपने कहा मुद्दा तो हमारा आपका दिखा कि संदीप दीक्षित का अलका लामा का सीएजी का दिखा कि नहीं आपको? सीएजी का सर कल चर्चा हुई, 18 करोड़ रुपए किलोमीटर सड़क को 250 करोड़ रुपए, प्लीज बीच में नहीं शो देखा कीजिए, बीच में नहीं, बीच में नहीं, सीएजी पर मुझसे पूछा इसलिए मैं जवाब देते हुए आपको चल रही हूँ सिलसिलेवार तरीके से। आप ही की पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी कल गए सर शो में सर, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। आप लोगों को आप सुनिए, ये इतना बड़ा मुद्दा है, एक 10 मिनट की बहस करने से खत्म नहीं होगा। जो पार्टी कहती है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे, 7 लाख लोग फर्जी फोन नंबर से आयुष्मान का 5 लाख रुपए की जो सहायता होती है वो निकाली, 7 लाख लोग 5 लाख रुपए निकाले हैं, बयान देखकर कितना रुपए का घोटाला हुआ ले रहे थे जोड़ के बताएंगे? एक सेकंड, आप मुझे बताएंगे इतना बड़ा घोटाला हो गया, आप यहाँ पर टीवी पर बैठ कर बता रहे हैं, आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सीएजी की रिपोर्ट पर आप कोर्ट गए, आप अपना बता दीजिए सर, क्यों कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया? हर बात पर मीडिया को कटघरे में खड़ा कर देना, हम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया? चर्चा कर रही हूँ, उस पर आपसे जवाब देते नहीं बन रहा है, उस पर आपसे जवाब देते नहीं बन रहा है। कितना आदमी परेशान हो जाता है, कमाल है सर, बाकी मेहमान भी है मेरे साथ, दरवाजा क्यों खटखटाया? हमारा काम है जनता के बीच में,
अरे विनय मिश्रा जी, मेरी आवाज मिल रही है? अगर आप सिर्फ आप ही बोलेंगी सर, अगर आप सिर्फ आप ही बोलेंगे तो मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। कल चर्चा हो चुकी है, सिर्फ आप बोल रही हैं। आप करिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, जिस मुद्दे पर दरवाजा हम क्यों खटखटाएं? हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, हम मीडिया में जाएंगे, हम संसद में जाएंगे। आप प्लीज जाइए सर, प्लीज जाइए। आप जाएंगे आप हमसे क्यों करिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ चर्चा के लिए? पक्का अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अरे मैं आज के मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। अरे मैं पब्लिक में जाऊंगा, जवाब दीजिए। हम पब्लिक में जाएंगे, फौज है क्या आप लोग? हम कोर्ट में क्यों जाएंगे? हम पब्लिक में जाएंगे, गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हैं। विनय मिश्रा, इनसे कोई सवाल ना करे। कटरी आवाज, हेडफोन है तेरे पास? विनय मिश्रा जी, आपको आवाज मिल रही है? अब तक आप भाव समझ गए होंगे किस सवाल पर मैं आपसे जवाब मांग रही हूं। जवाब दे सकते हैं तो दीजिए सर। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, दोबारा आपके पास आने की कोशिश करूंगी, ठीक कराते हैं जो दिक्कत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।